रुद्राक्षी जाकर कार से टकराई और वो अनाया के साथ नीचे गिर गई। अनाया ने कहा, आपका रिकॉर्ड टूट गया रुद्राक्षी, आज हो गई टक्कर। वैसे आप ठीक हैं? ये कहते हुए उसने उसे उठाया। रुद्राक्षी ने कहा, जी हम ठीक हैं, लेकिन ये गाड़ी वाला, इसको तो नहीं छोड़ने वाले। रुको, बताते हैं इसे। ये बोलकर वो गाड़ी के सामने गई और उसके विंडो पर हाथ मारते हुए गुस्से में बोली, बाहर निकलो, अंधे हो, कैसे ब्रेक लगाते ये नहीं पता, बाहर निकलो मैंने कहा। उसके कहने पर गाड़ी वाले ने शीशा नीचे किया तो वो विवान था। उसने उसे देखा तो रुद्राक्षी बोली, आप चला रहे थे ऐसे गाड़ी? अरे आपको क्या लंदन की सड़क लग रही थी? वहां पर क्या बिना रूल्स के चलती है गाड़ी? और गाड़ी नहीं चलानी आती तो चला क्यों रहे थे? किसी ड्राइवर को बोलते, अभी तो आप हमें मारने वाले थे। तभी आर्यन कार से निकल के बोला, मारा तो नहीं ना राजकुमारी साहिबा, और हमें तो नहीं लगता हम आपको मारने वाले थे, बल्कि आप हमें मारने वाली थी। देखें बेचारी मेरी कार इंजर्ड हो गई है, पता नहीं कितना लगा होगा बेचारी को, और आप कहती हैं हमने आपको मारने की कोशिश की। उसके इस बात पर रुद्राक्षी ने कहा, ओ राजा साहब ज्यादा मत बोलें, एक तो ब्रेक लगाना नहीं आता आपके भाई को, उस पर से आपको इस बेजान खटारा कार की परवाह है? यहाँ मैं और अनाय जी मरते हुए बचे उसका क्या, और आपको इसका इंजर्ड होना दिख रहा है, और ये जो हमें लगा उसका क्या? आर्यन ने देखा रुद्राक्षी के हाथ पर हल्की सी खरोच थी, पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। उसने कहा, राजकुमारी साहिबा आप तो खुद का इलाज करा सकती हैं, लेकिन मेरी बेचारी कार, वो कहाँ जाएगी खुद का इलाज कराने? इसलिए मैं उसकी फिक्र कर रहा हूँ। और आपको इतना सा लगा है कोई पहाड़ नहीं टूटा है जो आप इस तरह से चिल्ला रही हैं? हटे, देखने दे मुझे मेरी कार को, जिसे आपके इस बेकार से बुलेट ने मार दिया। रुद्राक्षी ने ये सुना तो वो गुस्से में बोली, क्या क्या बोला आपने? मेरी बुलेट बेकार है? बेकार आप हैं, आपका ये भाई है और ये खटारा गाड़ी है, बेकार खुद हैं तो रखते भी ऐसी चीजें हैं, कोई अच्छा सामान कभी नहीं रखा इन्होंने, कैसे रखेंगे? अच्छा बोलते नहीं है तो अच्छा सामान कहाँ से रखेंगे? वो ये बोल ही रही थी कि बाकी सभी आ गए। जानवी ने गाड़ी से बाहर आते हुए कहा, अब ये इन लोगों से कहाँ टकरा गई, कभी कुछ ठीक से क्यों नहीं होता है, सुबह से कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है, पहले अनाया वाला कांड और अब ये। सिद्धि ने कहा, पहले चलें देखें उसके बाद शिकायत करना। ये कहते हुए वो उन सब के पास आई। उसने रुद्राक्षी को लड़ते हुए देखा तो बोली, लाडो क्या हुआ, आप इनसे क्यों लड़ रही हैं? रुद्राक्षी ने उसके पूछने पर कहा, भाभी मैं कहाँ लड़ना चाहती थी, वो तो ये जो इनके भाई हैं जो आराम से खड़े हैं, इन्होंने ब्रेक मारा और देखें मेरी धनु के साथ मुझे और अनाय जी को भी चोट लग गई, देखो भाभी। ये कहते हुए वो उसे अपना हाथ दिखाने लगे। आर्यन ने कहा, हाँ देखें आपकी कांच जैसी नाजुक ननद कहीं क्रैक तो नहीं हो गई, मैडम ने ऐसे चिल्ला चिल्ला के सर दर्द कर दिया है, मैं तो कहता हूँ मैडम को महल में रखो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो कभी फेविकोल पिला दो, क्योंकि मुंह खोलती हैं तो आग उगलती हैं। क्या बोला आपने? मैं आग उगलती हूँ? देखें आप सब, अभी कल मुझसे कह रहे थे मुझसे मोहब्बत है, मेरे बिना रह नहीं सकते, और अभी आग उगलती हूँ। सच में मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको टक्कर मारनी चाहिए थी ना कि आपकी इस बेचारी गाड़ी को। बहुत मतलबी हैं आप, बहुत मतलबी हैं आपकी बातें, मैं तो कहती हूँ जो मैं तब नहीं कर सकी वो अभी कर देती हूँ। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ी तो शिव वीरेन दोनों ने उसे पकड़ा और शिव ने कहा, अरे हमारी जान रुक जाएं, इतना गुस्सा बस बस करें। और तुम क्या यार, तुम भी उसे गुस्सा दिला रहे हो। आर्यन ने कहा, हम कहाँ इन्हें गुस्सा दिला रहे हैं, ये तो पहले से ही ना जाने क्यों भड़की हुई हैं। मैंने तो बस इतना कहा कि जो हुआ उससे भूल के आगे बढ़े, पर नहीं, इन्हें तो हमसे लड़ना है। वैसे राजकुमारी साहिबा आपको सच में हमसे लड़ना था या बात करने का वक्त बिताने का मौका खोज रही थी? अगर ऐसा है तो बता देती हैं, हम खुद आपके पास चले आते। रुद्राक्षी उसकी तरफ बढ़ने लगी तो अनाया जो अभी तक खामोश खड़ी ये सब देख रही थी उसने रुद्राक्षी को पीछे करते हुए कहा, स्टॉप प्लीज स्टॉप इट। उसके कहने पर रुद्राक्षी और बाकी सब खामोश हो गए। अनाया ने कहा, तुम मुझे घुमाने ले जा रही थी ना, तो ये सब क्या है? अरे उन्होंने तुम्हें जानबूझ के टक्कर नहीं मारा, वो क्या तुम्हारे पीछे थे? नहीं वो हमसे आगे थे, गलती हम लोगों की है जो आप इतनी तेज बुलेट चला रही थी, हमने उनकी गाड़ी को टक्कर मारा। पर वो कुछ बोल रहे हैं?
अब अगर आपने जरा सा भी लड़ा तो मैं यहीं से वापस चली जाऊंगी। बोले, क्या फैसला है? रुद्राक्षी ने मुंह बना के कहा, अच्छा ठीक है हम नहीं लड़ने वाले, चलो चलते हैं। ये बोलकर उसने बुलेट उठाई और उसे देखने लगी। जानवी ने आर्यन से पूछा, वैसे आर्यन जी ये जनाब कौन है? आर्यन ने मिलवाते हुए कहा, ये विवान है मेरा भाई। विवान ये जानवी जी आपकी भाभी सा की बहन जैसी दोस्त, और ये श्रेया जी हैं आपकी भाभी की बड़ी कजन बहन, और ये उनके पति वीरेन जी, और ये सौर्य उनके भाई। बाकी से तो आप मिल चुके हैं। विवान ने उसके कहने पर सबको हेलो किया। रुद्राक्षी ने आर्यन को घूर के देखते हुए कहा, अगर मेल मिलाप हो गया हो तो चलें घूमने, मुझे लगता है वक्त बर्बाद हो रहा है। विवान ने यह सुनकर कहा, अरे वाह, आप सब भी घूमने जा रहे हैं? हम भी घूमने निकले हैं। क्या हम आप सबको ज्वाइन करें? एक साथ घूमेंगे तो अच्छा लगेगा। रुद्राक्षी बोली, कोई अच्छा नहीं लगने वाला। जिसके साथ आपके भाई हो उसका कभी अच्छा नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ आप भी साथ मत रहो, पता नहीं क्या घुमा लाए, पागल तो हैं, कुछ भी दिखा देंगे। ये कहते हुए वो अपनी बुलेट खड़ी कर अपना हेलमेट उठा रही थी। विवान ने कहा, हाँ तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि साथ घूमने चलते हैं, मैं कुछ बढ़िया सी जगह घूम लूंगा। क्यों शिव जी, सिद्धि भाभी, सही कहा ना? जानवी ने इस पर कहा, अरे देवर जी, आपको पूछने की क्या जरूरत है? आप तो बस समझे आप साथ में ही घूमेंगे, मतलब आप हम सबके साथ चले, सब साथ में घूमने जाएंगे। चलो बैठो कार में। उसके कहने पर विवान वरुण वहां जाने लगे तो रुद्राक्षी ने कहा, कहां मटक मटक के चल दिए, अगर आप हमारी कार में जाएंगे तो ये जो आपके भैया की बेकार कार है उसका क्या होगा? दान करोगे? चुपचाप उसमें बैठकर पीछे आओ, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। उसकी बात पर विवान और वरुण अपने कदम रोक के उसे मोड़ लिए और गाड़ी में बैठ गए। बाकी सभी बैठने लगे तो अनाया ने कहा, हम भी गाड़ी में आएंगे, आपके साथ आए तो आप तो राजस्थान घुमाने से पहले कहीं किसी और जगह घुमा दो, इसलिए हम गाड़ी से सबके साथ आ रहे हैं। ये बोलकर वो चली गई। उसके जाने के बाद रुद्राक्षी ने अपने जींस के पॉकेट से रुमाल निकाली और उसे अपने हाथ पर बांधने लगी, पर वो बंध नहीं रहा था। शिव गाड़ी लेकर निकल गया। आर्यन ने देखा रुद्राक्षी बांध नहीं पा रही है तो उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन रुद्राक्षी पलट गई। आर्यन ने गहरी सांस ली और उसके सामने आकर उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ के रुमाल उसके हाथ से लेकर बोला, कुछ चीजों में मदद लेने से छोटे नहीं हो जाते हैं, अब ठीक से खड़ी रहो, बांधने दो मुझे। उसके कहने पर रुद्राक्षी शांत खड़ी हो गई। विवान ये शीशे से देख रहा था, उसके दिमाग में कुछ घूमने लगा, पर आर्यन और रुद्राक्षी खोए हुए थे। आर्यन ने रुद्राक्षी के हाथ पर रुमाल बांधा और उससे बोला, और हाँ, हम आपसे प्यार करते हैं, बहुत करते हैं, आपके साथ तब भी रहना चाहेंगे जब आप मेरा दिल तोड़ देंगे, मुझे दर्द देंगे, क्योंकि आपसे मोहब्बत है। और हाँ, आपको गुस्सा दिलाने में खुशी मिलती है हमें, इसलिए गुस्सा दिला देते हैं। वैसे हमें नहीं पता था महादेव आपसे ऐसे मिलवा देंगे, ऐसे हमें मौका देंगे आपको मनाने का। तभी विवान बोला, हम जा रहे हैं, आप दोनों की बात खत्म हो तो बुलेट पर बैठकर आ जाना। ये बोलकर वो गाड़ी लेकर चला गया। आर्यन उसे जाते हुए देख रहा था। उसने रुद्राक्षी की तरफ देखा तो वो उसे घूर रही थी। आर्यन ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा उसे, पता नहीं क्यों मुझे छोड़ के चला गया। रुद्राक्षी ने हेलमेट लिया और उसे पहनते हुए कहा, अच्छी बात है, तो रहें आप यहाँ पर आराम से, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो बुलेट पर बैठी और स्टार्ट कर दी। आर्यन ने कहा, अरे लेकिन मैं यहाँ से कैसे आऊंगा, पैरों से, और आपके पास इतना पैसा है थोड़ा खर्च करो, ओके बाय। आर्यन ने चिल्ला के कहा, आपको आपके महादेव की कसम, अगर आप मुझे अकेले सड़क पर छोड़ के गई तो पाप पड़ेगा आपको। आर्यन ने चिल्ला के कहा। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी को ना चाहते हुए रुकना पड़ा। उसने बुलेट रोकी तो आर्यन जल्दी से उसके पास गया और खड़ा हो गया। रुद्राक्षी बोली, बैठो जल्दी, मैं चलाऊंगा। आर्यन के ये बोलने पर वो बोली, क्यों, लड़की के पीछे बैठेंगे तो नाक नीचे हो जाएगी राजा साहब की। आर्यन ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अजी हम तो पूरी जिंदगी आपके पीछे चल रहे हैं, बस हुकुम दे। रुद्राक्षी ने उसके सीने पर हाथ रख के उसे दूर करते हुए कहा, पीछे बैठें, वरना मैं यहीं छोड़ के चली जाऊंगी। उसके कहने पर आर्यन ने हेलमेट लिया और जल्दी से उसे पहनते हुए उसके पीछे बैठ गया। रुद्राक्षी ने कहा,
और हाँ, खबरदार जो मुझे आपने पकड़ाया छुआ भी, समझे? ये बोलकर उसने बुलेट आगे बढ़ा दिया। आर्यन देखा रुद्राक्षी बहुत तेज बुलेट चला रही थी। उसने मन में कहा, आर्यन साहब, आज लगता है आपकी रानी साहब आपको शहीद करके मानेंगे। बताओ, इतनी तेज बुलेट चला रही है जैसे पुलिस पीछे लगी हो। ये सोचते हुए उसने धीरे से रुद्राक्षी के कंधे को पकड़ा और उससे बोला, राजकुमारी साहबा, धीरे चला लो, इतनी तेज भी क्या चला रही हैं? अरे कोई नहीं पड़ा हमारे पीछे। रुद्राक्षी ने बुलेट को घुमाते हुए कहा, कोई नहीं पड़ा पीछे, लेकिन मैं पीछे रह गई हूँ और मुझे अभी सबको पीछे करना है क्योंकि वो मुझे छोड़ के गए। और आपको आपके भाई से बदला नहीं लेना है जो आपको सड़क पर छोड़ के चला गया। शांति से बैठें और देखें कैसे मैं सबको पीछे छोड़ती हूँ। और आप कोई अच्छी सी बात नहीं कर सकते मुझसे। ये कहते हुए उसने बुलेट की स्पीड बढ़ा दिया। आर्यन ने घबराते हुए कहा, वैसे एक बात पूछूं, आपको ये चलाना किसने सिखाया? कौन चलाता था ये? हुकुम साहब चलाते थे? रुद्राक्षी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ ये सवाल अच्छा किया आपने। नहीं, पापा नहीं, पापा को कार का शौक है। मेरी माँ काशी रुद्रांग सिंह, उन्हें बुलेट का शौक है। आपको पता है पूरे बनारस में उनकी बुलेट ऐसे दौड़ती थी जैसे वहाँ की गलियों में हवाएं। अरे माँ तो यहाँ भी जब आई तो अपनी बुलेट लेकर आई थी, उन्हें अपनी बुलेट से बहुत प्यार था। उसके बाद हम हुए पैदा। हमें तलवार चलानी तो नहीं आती, लेकिन हाँ मुझे बुलेट चलानी बहुत अच्छे से आती है। वैसे मेरी बुलेट की रफ्तार हमेशा तेज होती है, जैसे माँ की होती थी। वैसे पापा माँ के साथ बुलेट पर बैठने से डरते थे, उन्हें लगता था वो उन्हें मरवा देंगी। आर्यन ने उसकी बात सुनकर मन में कहा, इस वक्त कुछ यही ख्याल मेरे मन में भी है। मैं अपनी बेटी को उनके साथ नहीं रहने दूंगा, वो ये सब नहीं सीखने वाली। पता चला वो भी अपने पति की जान निकाल रही हो। आपने कुछ कहा क्या? रुद्राक्षी के ये पूछने पर उसने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। और ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों से रुद्राक्षी की कमर को चारों तरफ से पकड़ लिया और उससे बोला, आपको कुछ सुनना था क्या राजकुमारी साहिबा? उसके ये करने पर रुद्राक्षी ने बुलेट की स्पीड को कम किया और उससे बोली, ये क्या है? मैंने कहा था ना, तो ये सब क्या है? हाथ हटाओ। आर्यन ने कहा, अब आप इतनी तेज बुलेट चलाएंगे तो मुझे तो आपको पकड़ना ही होगा ना राजकुमारी साहिबा, कहीं मैं गिर गया तो? इसलिए पकड़ने देना, मैं पक्का कुछ नहीं करूंगा, सच में। ये कहते हुए उसने उसे शीशे में देखा। रुद्राक्षी बुलेट चलाने लगी। आर्यन उसे बगल के शीशे में देखते हुए मन में बोला, दुनिया भुला के मैंने तुझको ही पा लिया, दिल से दुआओं में भी तुझको है मांगा, रूह का गुरूर सारा तुझ पर लुटा दिया, खुद को हार के तेरी जीत को है मांगा। वाकिफ है जहां के रिवाजों से, मैं नजरों से तेरी हर नजर उतारूं। ये सोचते हुए वो उसकी उड़ती हुई जुल्फों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। तभी रुद्राक्षी ने तेज से खुश होते हुए कहा, यस, हमने सबको पीछे छोड़ दिया और अब हम आगे हैं। वैसे आप इतने बुरे पार्टनर नहीं है। इस पर आर्यन बोला, अरे हमारी जोड़ी का तो जवाब पहले भी नहीं था तो आज कैसे होता। वैसे आप सब कहाँ जा रहे हैं? जल महल, मुझे वो जगह बहुत पसंद है क्योंकि उसके आजू बाजू पानी है ना, इसलिए। ये कहते हुए वो बुलेट चला रही थी। कुछ देर में वो सब जल महल के सामने थे। रुद्राक्षी ने बुलेट को रोका और हेलमेट निकाल के रख दिया। आर्यन अभी भी उसे पकड़े हुए बैठा हुआ था। रुद्राक्षी उतरने लगी तो उसने देखा आर्यन अभी भी उसकी कमर पकड़ के बैठा था। उसने आर्यन के हाथ पर चिमटी काटी तो आर्यन ने कहा, आउच, ये क्या किया आपने राजकुमारी साहिबा? हमें लगा आप सो गए हैं, तभी तो आप छोड़ नहीं रहे थे, तो आपको जगाने के लिए किया, पर आप तो जाग रहे थे, सॉरी, अब चलें। ये कहते हुए वो उतरी और बाकी सबके पास जाने लगे। आर्यन बुलेट से उतरा और हेलमेट उतार के खड़ा हो गया। विवान उसके पास आया और उससे बोला, भाई कैसा था राइड? वैसे लगता है काफी खूबसूरत था। क्यों वरुण भाई, सही कहा ना मैंने? वरुण ने कहा, लगता है आज जनाब की रात इसी लम्हे को सोचते हुए निकल जानी है। आर्यन ने हेलमेट रखा और उन दोनों को देखते हुए बोला, रुके अभी बताते हैं आप दोनों को कि कैसा था हमारा सफर। ये बोलकर वो उनकी तरफ बढ़ा तो विवान और वरुण दोनों भागे। सब जल महल के अंदर घूम रहे थे। अनाया अपना कैमरा लेकर फोटो खींच रही थी। वो कैमरा लेकर मुड़ी तो सामने बातें करते हुए आ रहे विवान से टकरा गई। वो अपना कैमरा लेकर गिरने वाली थी पर विवान ने उसे पकड़ लिया। अनाया के जिस हाथ में लगी थी उसे विवान ने पकड़ रखा था। अनाया ने उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, थैंक्स।
ये बोलकर वो अपना हाथ देखते हुए आगे बढ़ गई। रुद्राक्षी बोली, क्या हुआ? वो ये जलन कर रहा है। अनाया के ये कहने पर रुद्राक्षी ने अपने गले में पहने स्कार्फ को निकाल के उससे कहा, बस इतनी सी बात, रुके मैं बांध देती हूँ उसे, उसके बाद नहीं चलेगा। ये कहते हुए उसने स्कार्फ को उसके हाथ में बांध दिया। अनाया मुस्कुरा के उसे देखते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आर्यन उसके पास आया और उससे पूछा, ये लड़की कौन है? रुद्राक्षी ने कहा, क्यों, आपको क्या करना है, रिश्ता बनाना है? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा रिश्ता जिसके साथ होना था हो गया, अब किसी के साथ मेरा रिश्ता नहीं हो सकता है। आप वो पहली और आखिरी लड़की हैं जिससे मेरा रिश्ता है, प्यार है। रुद्राक्षी उसकी आंखों में खोए हुए ये सुने जा रही थी। रुद्राक्षी खोए हुए से आर्यन की आंखों में देखे जा रही थी। आर्यन धीरे से उसके पास आकर कानों में बोला, मैं हैंडसम हूं मुझे पता है, लेकिन ऐसे देखेंगे तो हमें आपकी नजर लग जाएगी। उसके कहने पर रुद्राक्षी ने उसे दूर किया और घूर के देखने लगी। आर्यन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। रुद्राक्षी ने उसे देखकर कहा, माँ के दोस्त की बेटी है, कुछ दिनों के लिए यहाँ आई है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो इसलिए दूर रहना, क्या पता छेड़ने के चक्कर में खुद ही छिड़ गए उससे। फिर मत कहना राजकुमारी साहिबा आपने बताया नहीं था, वैसे मुझे क्या, पिटो, अच्छा होगा वो मारेगी, मैं तो खड़े होकर देखूंगी। ये बोलकर वो जाने लगी तो आर्यन ने उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, आपको अच्छा लगेगा अगर हमें मार पड़ेगी? आर्यन जी छोड़े, मुझे सब देख रहे हैं, क्या हरकत है। ये कहते हुए उसने खुद को उससे छुड़ाया और बोले, लगता है मार ही खाएंगे आप, और मेरे पीछे मत आना। ये बोलकर वो वहां से गुस्से में चली गई। तभी विवान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या भाई, आप क्यों भाभी को हर बार ऐसे गुस्सा दिलाते रहते हैं, ऐसे तो कभी भी वो नहीं मानने वाले। उसके ये कहने पर आर्यन ने कहा, जब वो गुस्सा होती है तो बहुत अच्छी लगती है हमें, उनकी मुस्कान और उनके आंखों में गुस्सा दोनों में पसंद है। पता है आपको, जब हम उनके पास होते हैं तो उलझ जाती हैं वो, कि वो हमारे पास रहें या दूर, वो हमसे मोहब्बत करें या गुस्सा, वो हमें देखें या मुंह फेर लें। ये जो उनकी उलझन होती है और उस उलझन में होने पर हमारा उनके करीब आना, प्यार भरी बातें करना, ये उन्हें कमजोर करता है, मेरे पास रुकने को मजबूर करता है। पर उनका गुस्सा, बस वो बीच में आ जाता है, पर मुझे पता है ये गुस्सा भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। वैसे आप बताओ, देखा हमने अनाया जी का हाथ बड़ा पकड़े हुए थे, बड़ा संभाल रहे थे, क्या बात है? उसके बाद पर विवान ने कहा, कौन अनाया? अच्छा वो, अरे वो मुझसे टकराई और गिरने को हुई तो हमने उसे संभाल लिया, आप भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगे भाई। और हाँ, वो बहुत नकचड़ी है, हमने उसकी हेल्प की तो थैंक यू बोला नहीं, ऐसा लगा फेंक के मारो, और ना जाने आपकी खोपड़ी में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, चलें घूमें। ये बोलकर वो आगे चला गया। रात का वक्त, होटल, सब दिन भर घूम के डिनर करने के लिए होटल आए थे, सबने अपना ऑर्डर दे दिया था और बैठे बातें कर रहे थे। अनाया ने उठते हुए रुद्राक्षी के कान में धीरे से कुछ कहा और चली गई। सिद्धि ने पूछा, ये कहाँ गई? रुद्राक्षी ने धीरे से कहा, वॉशरूम। ये बोलकर वो बात करने लगी। अनाया वॉशरूम से बाहर निकल रही थी और जो स्कार्फ रुद्राक्षी ने उसके हाथ में बांधा था उसे ठीक से बांधते हुए वो आगे बढ़ रही थी। तभी वो किसी से टकरा गई। अनाया खुद संभली और उसकी तरफ देखकर बोली, सॉरी। वो जाने लगी तो उस आदमी ने कहा, मैं सनाया सिंह ठाकुर। क्या हुआ, मुझे भूल गई क्या आप? उसके कहने पर अनाया मुड़ी और उसे देखते हुए बोली, अभिनव राय, मैं किसी शक्ल को नहीं भूलती, खासकर वो शक्ल जिसने मुझे धोखा दिया हो, जो एक मक्कार इंसान है। ना प्लीज, एक्सक्यूज मी, अभिनव ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। अरे अनाया, इतने सालों बाद मिली हो, कम से कम कुछ वक्त हमारे साथ बिता लो, हमें तो वो रात आज भी याद है जब मैं तुम्हारे करीब आया था, जब वो रात नशे में तुम मेरी बाहों में थी। वैसे चाहो तो हम आज भी कुछ वक्त साथ में। ये कहते हुए उसने जैसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया
तो अनाया उसके हाथ को मोड़ के उसके गर्दन पकड़कर उसके मुंह को दीवार से लगा के बोली, ये गलती अब मत करना। उस अनाया सिंह ठाकुर में और इस अनाया सिंह ठाकुर में बहुत फर्क है। आज की अनाया तुम्हारी की हर गलती के लिए तुम्हें चीर सकती है। और हाँ, ये मत समझना अदालत ने तुम्हें बरी किया तो तुम मुजरिम नहीं हो। गुनाह तुमने किया है और उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगी, पर इस वक्त मैं तुम जैसे आदमी पर अपना वक्त नहीं खराब करना चाहती। इसलिए अपना ये घटिया सा मुंह लो और निकलो यहाँ से, वरना इस मुंह का हुलिया मैं ऐसा बिगाड़ूंगी कि कोई 60 जन्म नहीं पहचान सकेगा। ये बोलकर उसने उसे छोड़ दिया। अभिनव उसे गुस्से में देखते हुए बोला, बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें, भूल गई उस वक्त तेरी इस अकड़ को तोड़ा था मैंने और तू कुछ नहीं कर पाई थी, और चाहूं तो तेरी यही अकड़ वापस तोड़ सकता हूँ, देखना चाहती है? ये कहते हुए वो उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए बढ़ने लगा तो किसी ने उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे मोड़ते हुए कहा, खबरदार जो ये सोचा भी, खुद की हिम्मत को एक लड़की पर आजमाने के बारे में सोचना भी मत, वरना जिस हाथ को तुमने उठाया उसे दोबारा उठाने लायक नहीं छोड़ूंगा। और अब निकलो यहाँ से। ये कहते हुए विवान ने उसका हाथ छोड़ दिया और अभिनव ने अपना हाथ पकड़ के कहा, मैं दोनों को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। ये बोलकर वो चला गया। उसके जाने के बाद अनाया ने अपने हाथ में लगे स्कार्फ को बांधते हुए कहा, एक बार और मदद करने के लिए थैंक्स, पर मैं हैंडल कर लेती, अगली बार प्लीज ये मत करना। ये बोलते हुए वो स्कार्फ का एक कोना मुंह से और एक हाथ से खींचने लगे। विवान ने कहा, अगली बार नहीं करूंगा, वैसे जान सकता हूँ ये लड़का था कौन? देखने से लग रहा था वो आपको जानता है। अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे साथ जबरदस्ती की थी इसने, कहने को बॉयफ्रेंड था पर इसने मुझसे प्यार करने का नाटक किया और मेरे पापा से बदला लेने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। कोर्ट में प्रूव हुआ पर मेडिकल इलनेस की वजह से मेंटली हेल्थ खराब दिखा के बस 4 साल की जेल हुई, उसके बाद वापस आ गया। उसके ये कहने पर विवान उससे हैरानी से देखे जा रहा था, क्योंकि अनाया ये सब बहुत आराम से बता रही थी। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था और वो बहुत आराम से ये सब कह गई थी। विवान ने उससे कहा, आपको इस इंसान को देखकर गुस्सा नहीं आया? जी नहीं चाहा कि आप इसे मार डालें? अनाया ने उससे कहा, उससे क्या होगा, वो मर जाएगा बहुत आराम से, लेकिन उससे क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरी इज्जत, मेरे पापा की हिम्मत या और कुछ? कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए चले, सब वेट कर रहे होंगे। ये बोलकर वो वहां से चली गई। विवान उसके अजीब जवाब पर हैरानी से उसे जाते हुए देख रहा था। अनाया आई और सबके पास बैठ गई। विवान भी आकर आर्यन के बगल में बैठ गया। विवान की नजर रह रहकर अनाया पर जा रही थी। सबने खाना खाया और महल के लिए निकल गए। 5 दिन बाद सुबह का वक्त, माधवगढ़। अनाया इन 5 दिनों में महल के हर मेंबर से जुड़ चुकी थी। अनाया के बीते कल के बारे में सबको सब कुछ पता था और सबने उसे उससे उभरने में और भूलने में बहुत मदद किया था। वैसे अनाया बहुत स्ट्रांग थी, पर अब उसके अंदर खुश रहने की चाह वापस आ गई थी और लोगों पर भरोसा करने लगी थी। अनाया रोज शाम को घूमने निकल जाती, रात तक वापस चली आती। काशी ने जब ये बात शिवाय को बताया कि अनाया अब ठीक हो रही है, तो यह सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। सुबह के वक्त सब बैठे चाय पी रहे थे, तभी आर्यन वरुण के साथ अंदर आया। उसने सबको देखकर गुड मॉर्निंग कहा तो जानवी बोली, क्या बात है आर्यन जी, आज तो आप सुबह सुबह ही महल, हमारी रूह और आपकी बीवी आ तो रही थी ऑफिस, लगता है आपसे सब्र नहीं हुआ तभी यहाँ चले आए आप। आर्यन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली आज हमें यहाँ से बाहर एक जमीन के सिलसिले में जाना है, तो इसलिए हम राजकुमारी साहिबा को लेने आए हैं, एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, पर जमीन को लेकर कुछ पंगा चल रहा है, सोच रहे हैं जाकर देखा है। इस पर श्रेया ने कहा, तो रुद्राक्षी को साथ क्यों ले जा रहे हैं, खुद जाओ, क्योंकि उस जमीन के सारे पेपर उनके पास हैं और उन्होंने उस फाइल को अच्छे से पढ़ा है, इसलिए अब आप लोग मेरी बीवी को बुला देंगे। उसके ये कहने पर सिद्धि ने कहा, बुलाना कैसा, वो तो खुद ही आ रही है, देखो वो रही। उसके कहने पर उसने देखा तो रुद्राक्षी रेडी होकर आ रही थी। वो सबके पास आई और आर्यन को देखते हुए बोली, आप आ गए,
चले चलते हैं। उसके ये कहने पर काशी ने कहा, कुछ खा तो लो रुद्राक्षी, फिर जाना। उसके ये कहने पर वो बोली, माँ मैं बाहर खा लूंगी, अभी चलती हूँ, बाय। ये बोलकर वो आर्यन के साथ चली गई। उसके जाने के बाद अनाया ने कहा, अच्छा मुझे भी एक काम से बाहर जाना है, आप सबको शाम को मिलती हूँ। ये बोलकर वो भी चली गई। विवान महल में था, वो बैठा एक मीटिंग ले रहा था। जब मीटिंग खत्म हुई तो उसने मीरा को आवाज दिया और उससे बोला, मीरा आपके पास भाभी का नंबर है क्या? उसके कहने पर मीरा ने कहा, जी छोटे भैया है ना, दूं? विवान ने कहा, हाँ दे दो ना। उसके ये कहने पर मीरा ने अपने कमर से फोन निकाला और उसमें से नंबर उसे दे दी। विवान ने फोन किया तो एक बार तो कट कर दिया रुद्राक्षी ने। विवान ने मैसेज किया और उसे कॉल करने को कहा। कुछ देर बाद जब रुद्राक्षी का कॉल आया तो विवान ने कहा, भाभी साहब हमें आपसे एक बात करनी थी, भैया आपके साथ तो नहीं है ना? रुद्राक्षी ने कहा, हाँ है, मेरे बगल में है। आप थोड़ा दूर जाओ ना, मुझे कुछ कहना है। विवान के ये कहने पर रुद्राक्षी आर्यन से कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, हाँ बोलो। विवान ने उससे कहा, भाभी आप क्या भैया को आज रात रॉयल होटल ले आएंगे? पर प्लीज उन्हें कुछ बताना मत, वो आज उनका बर्थडे है तो मैंने सरप्राइज प्लान किया है। अगर आप उन्हें ठीक 8 बजे होटल ले आए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बाकी सब मैं कर लूंगा, बस आप ये कर दें प्लीज। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी ने कहा, ओके विवान जी हम कर देंगे आपका ये काम, और कुछ? नहीं बस इतना ही। ये बोलकर उसने फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही रुद्राक्षी कुछ सोचने लगे तो आर्यन उसके पास आकर बोला, चले अगर आपकी बात हो गई हो तो। वैसे किसका कॉल था जो इतना मुस्कुरा के बात कर रहे थे? रुद्राक्षी ने फोन को बैग में रखते हुए कहा, किसी का नहीं, चले काम हो गया? आर्यन ने कहा, हाँ हो गया है, बस वरुण आ जाए उसके बाद चलते हैं, लगता रात हो जाएगा पहुंचते हुए। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी बोली, अगर रात हो जाएगी तो क्या आप मुझे वो रॉयल होटल में खाना खिला देंगे प्लीज? आर्यन उसके ऐसे कहने पर बोला, लेकिन उसी होटल में क्यों, और भी बहुत सारे होटल पड़ेंगे रास्ते में, उसमें खा लो। रुद्राक्षी ने उसे देखते हुए कहा, वो वहां का दाल बाटी चूरमा बहुत अच्छा है, इसलिए प्लीज चलेंगे ना मुझे लेकर? उसके ये कहने पर आर्यन ने कहा, काफी डिमांड करने लगे हैं आप, चलें ले चलेंगे आपको, और कोई फरमाइश? हाँ वो हमें रास्ते में वो जो मॉल था ना उसमें जाना है, कुछ सामान का है भाभी ने उसे लेना है। रुद्राक्षी के ये बोलने पर आर्यन ने सर हाँ में हिला दिया। वरुण आया तो वो दोनों वहां से निकल गए। रात का वक्त, रॉयल होटल। आर्यन रुद्राक्षी को लेकर रॉयल होटल आया था। उसने रुद्राक्षी से कहा, चले अंदर राजकुमारी साहबा, एक मिनट। ये बोलकर उसने मैसेज किया और उसकी तरफ मुड़के बोली, हाँ चले। ये बोलकर वो उसके साथ अंदर जाने लगे। वरुण भी उसके पीछे था। जब वो अंदर आया तो वहां पर अंधेरा था, तभी लाइट्स ऑन हुई और सबने एक साथ आर्यन को बर्थडे विश किया। ये देखकर आर्यन हैरान हो गया। उसने सबको जब वहां देखा तो बोला, आप सब यहाँ पर आप सबको किसने बताया कि मेरा बर्थडे है आज? उसके ये पूछने पर विवान अनाया के साथ ट्रॉली में केक लाते हुए बोला, जब हम हैं तो और किसी की क्या जरूरत है भाई, हैप्पी बर्थडे भाई। ये कहते हुए वो उसके गले से लग गया। आर्यन के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अनाया ने उसे नाइफ देते हुए कहा, चले आर्यन जी जल्दी से कट करें केक ताकि हम सब खा सके। उसके ये कहने पर आर्यन ने कहा, क्या आप सब भी ये सब बच्चे करते हैं? इस पर रुद्राक्षी ने कहा, हाँ सही कहा आपने आर्यन जी, देखें आर्यन जी को बेचारे कितने बूढ़े हो गए, अरे नाती पोते हो गए इनके, ये कोई उम्र होती है केक काटने की? अरे इस उम्र में लोग केक थोड़ी काटते हैं, इस उम्र में तो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कोई बात नहीं आर्यन जी आप जाएं, आप चार धाम की यात्रा करें, केक हम काट लेंगे और खा भी लेंगे। उसके ये कहने पर सिद्धि ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, आज भी ये लड़की आर्यन जी से लड़ेगी, ये नहीं कि कुछ प्यार से बोल लें। और आप आर्यन जी कट कर देना केक। आर्यन कुछ बोलता उससे पहले रुद्राक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और नाइफ उसमें देते हुए उसका हाथ पकड़ के बोले, पता नहीं कितना भाव खाते हैं, ये नहीं कि 2 मिनट का काम है इसे करके हटे, लेकिन कहां ये सब होगा, पहले भाव खा लें।
ये कहते हुए उसने केक कट कराया और ताली बजाते हुए बोली, ये सबने केक कट होने पर ताली बजा दी। आर्यन रुद्राक्षी की खुशी देखकर खुश था। उसने केक का एक टुकड़ा उठाया और विवान को खिलाया। तभी आर्यन का फोन बजा और वो बाहर चला गया। रुद्राक्षी को उसने अभी तक केक नहीं खिलाया था। जब वो आया तो सब टेबल के पास बैठे थे और केक वेटर लेकर गया था। आर्यन भी सबके पास आकर बैठ गया। वेटर डिनर रखने लगा, तभी अभिनव अंदर आया और वो भी बहुत गुस्से में। अनाया बैठी बात कर रही थी। अभिनव को वहां देखकर रुद्राक्षी हैरान थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अभिनव ने कहा, अनाया सिंह ठाकुर। अनाया उसकी आवाज सुनकर मुस्कुरा दी और उसे देखते हुए बोली, अरे अभिनव राय चौधरी साहब, ऐसे चिल्लाए मत वरना गला बैठ जाएगा। देखें हम यही हैं, बताएं क्या बात करना है आपको हमसे। उसके कहने पर अभिनव उसके तरफ बढ़ने लगा तो शिव शौर्य ने उसे रोक दिया। अभिनव ने झल्ला के कहा, छोड़ो मुझे, मैं इसे छोड़ने नहीं वाला, छोड़ो। अनाया ने उन सबको इशारा किया तो उन्होंने छोड़ दिया। अभिनव उसकी तरफ बढ़ा तो अनाया हट गई और अभिनव नीचे जाकर गिरा। अनाया ने कहा, अरे अभिनव साहब, आप तो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इतना भी बुरा नहीं किया है मैंने जो आप ऐसे लड़खड़ा रहे हैं। वैसे खुशखबरी बहुत जल्दी पहुंच गई आप तक। चलो कोई बात नहीं, होता है अक्सर जब खुशी हद से ज्यादा हो तो सहन नहीं होती है। देखें आपसे भी नहीं हो रहा है। वैसे आपने मुझे खोज लिया, बहुत बड़ी बात है। अभिनव ने उठकर उसके गर्दन पकड़ के पिलर से लगा के कहा, तू मुझे बर्बाद करेगी, तेरी इतनी हिम्मत। शिव विवान वरुण सब उसके पास आने लगे तो अनाया ने हाथ दिखा के उन्हें रोक दिया। अभिनव ने कहा, तुझे क्या लगता है मैं चुप बैठूंगा। नहीं, गलत सोच लिया तूने, मैं अभिनव राय हूँ, मैं इतनी आसानी से खुद को बर्बाद होते हुए नहीं देखने वाला। अनाया ने उसके पेट पर एक लात मारी जिससे अभिनव ने उसके गर्दन छोड़ दी। उसके बाद अनाया ने टेबल पर रखी शैंपेन की बोतल तोड़ के अपने हाथ में लिया और अभिनव के गर्दन पर लगाकर खड़ी हो गई। ये सब वहां खड़े सारे लोग देख रहे थे। अनाया अभिनव के गर्दन पर टूटी हुई बोतल का टुकड़ा लगा के उसके सामने खड़ी थी और वो घबराया हुआ उसे देखे जा रहा था। अनाया ने उससे कहा, अभिनव राय चौधरी, बहुत से वक्त आएंगे तुम्हारे पास जब तुम चिल्लाओगे और मैं सुनूंगी। ये तो पहली बार है जब तुम ऐसे चिल्लाते हुए आए हो। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सामने वो डरी सहमी मासूम सी अनाया नहीं है। अब तुम्हारे सामने तुम्हें बर्बाद करने आई, तुम्हें डर का एहसास दिलाने आई और तुम्हें रोज मारने आई अनाया सिंह ठाकुर खड़ी है। मैं तुम्हारी जिंदगी को ऐसे बर्बाद करूंगी कि तुम जब जब खड़े होने के बारे में सोचोगे तुम्हारे पैर कांप उठेंगे, तुम सोचने की क्षमता खो बैठोगे। क्या कहा था तुम्हारे वकील ने कोर्ट में? हाँ याद आया, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। मैं वही करने वाली हूँ, तुम्हें खराब करने वाली हूँ। रोक सको तो ये सैलाब रोक के दिखाओ। ये कहते हुए उसने उसे छोड़ा और उसके सामने खड़ी हो गई। अभिनव ने कहा, बहुत बुरा किया तूने ये करके, और अब कितना बुरा तेरे साथ होगा ये तो सोच भी नहीं सकती। तूने मुझे बर्बाद करने की ठानी है ना, मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। तूने मुझे एक केस हराया है ना, मैं तुझसे तेरा सब छीन लूंगा। जब कुछ बचा ही नहीं तो डर कैसा खोने से। तबाह हम बहुत पहले हो चुके हैं तो अब तूफानों से डरें कैसे। इसलिए जो करना है करो, हम भी यही हैं, तुम भी यही हो। देखते हैं इस बार कैसे तुम अनाया सिंह ठाकुर के चक्रव्यूह से बाहर निकलते हो। अच्छा तो अब चलें, बाय। ये बोलते हुए वो उसे देखे जा रही थी और अभिनव वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अनाया ने सबको देखते हुए कहा, सॉरी मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ आएगा। सॉरी आर्यन जी, आपके इतने स्पेशल डे पर मैंने ये सब। सॉरी, आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं, पर ये आदमी था कौन? देखने से लग रहा था कि बहुत दुश्मनी आप दोनों में। ये क्या था? रुद्राक्षी ने कहा,
और ये अभिनव आपको कैसे जानता है? उसके इस सवाल पर अनाया ने कहा, तुम जानती हो उसे? हाँ, कुछ दिन पहले मेरा उसके गाड़ी से एक्सीडेंट होते हुए बचा था। मुझे तो एक नंबर का हरामी लगा था, पर इसका आपके साथ? रुद्राक्ष के इस सवाल पर अनाया ने कहा, बस समझ लें ये मेरा बहुत पुराना दुश्मन है और इसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। चलें अब ये छोड़ें और रात को एंजॉय करें, बैठे खाना खाते हैं सब। ये बोलकर वो कुर्सी जो गिर गई थी उसे उठाकर उस पर बैठ गई। बाकी सब भी बैठ गए। शिव ने सिद्धि से कहा, हमें ये बहुत शांत लगी थी, मतलब दूसरा वाला शांत। हमें लगा बस गुस्सा करती होगी, नकचड़ी होगी, पर अब देख के लगता है बहुत खतरनाक लड़की है। बताओ अभी अभी कैसे भूत चाल ले आए थे और अभी कैसे आराम से खा रही है? कोई कहेगा कि ये वही लड़की है जो कुछ देर पहले डरा देने वाली बात कर रही थी। आप दूर रहो उससे, सिद्धि ने उसकी बात पर कहा। क्यों, हम क्यों दूर रहें? अरे एक तो आप वैसे भी टेढ़ी हो, पता चला इसकी संगत में और टेढ़ी हो गई, फिर मेरा क्या होगा ये भगवान ही जाने। ये कहते हुए शिव ने पानी पिया। सिद्धि ने कहा, हम टेढ़े हैं तभी तो आप जैसे शिव को झेल रहे हैं, वरना है कोई और जो आपको झेल सके। और आप चिंता मत करो, अनाया जैसी है मैं नहीं बनने वाली, क्योंकि मैं तो पहले से ऐसी हूँ, तो इसलिए खाना खाओ। ये बोलकर उसने दाल बाटी उसे खिला दी। सब खाना खाने में लगे थे, लेकिन विवान उसके दिमाग में अनाया को लेकर बहुत सवाल थे। अनाया ने जो 5 दिन पहले कहा था और जो आज देखा उसने, उसमें बहुत कुछ अलग था। इधर आर्यन ने रुद्राक्षी की तरफ देखा तो रुद्राक्षी ने मुंह फेर लिया। उसने खुद से कहा, अभी नहीं क्या हुआ, अब ये क्यों खफा है? अभी तो सब ठीक था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तभी वरुण ने कहा, अब गुस्सा तो होंगी ना भाभी, तूने सबको अपने बर्थडे का केक खिलाया पर उन्हें नहीं, इस पर गुस्सा ना होंगी तो क्या होंगी? तो उसने भी तो नहीं खिलाया, मैं तो नाराज नहीं हुआ, मैंने तो मुंह नहीं फुलाया। आर्यन के ये बोलने पर वरुण ने कहा, तुम मुंह फुला के अच्छे भी नहीं लगोगे, इसलिए रहने दो, ये लड़कियों पर ही अच्छा लगता है। और हाँ जल्दी बना ले, क्योंकि रोज रोज का झगड़ा मुझे पसंद नहीं है। ये कहते हुए वो खाने लगा। सब खाना खा के आर्यन को गिफ्ट देकर बाहर आ गए। बाहर खड़े सब बातें कर रहे थे, ड्राइवर गाड़ी लेने गया था। आर्यन ने देखा रुद्राक्षी वहां नहीं थी। वरुण ने कहा, वो गाड़ी के पास गई है बैग लेने, तू चाहे तो जा सकता है। उसके ये बोलने पर आर्यन जल्दी से उस तरफ चला गया। इधर रुद्राक्षी अपने बैग लेकर गाड़ी का डोर लॉक करके आगे बढ़ी तो देखा आर्यन सामने खड़ा था। वो जाने लगी तो आर्यन ने उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए कहा, नाराज हो? उसकी इस बात पर रुद्राक्षी ने शांति से उसे देखा और बैग को गाड़ी के ऊपर रखकर बोली, नहीं आर्यन जी, मैं कहां नाराज हूं और मैं नाराज क्यों होंगी? आप ऐसा कहां कुछ करते हैं जिससे मुझे गुस्सा आता है? आप तो कितने अच्छे हैं, कितने सीधे आदमी हैं, आपकी कोई भी हरकत मुझे नाराज नहीं करती, कभी गुस्सा नहीं दिलाती। मैं तो पागल हूं ना, मैं तो खुद गुस्सा कर देती हूँ। ये कहते हुए वो लगभग चिल्ला दी थी। आर्यन उसका गुस्सा देखकर पीछे गाड़ी से लगकर खड़ा हो गया। रुद्राक्षी ने उसे घूर के देखते हुए कहा, वैसे ये बहुत याद दिलाते हैं मैं इनकी बीवी हूँ, मुझे इनके साथ रहना चाहिए, लेकिन ऐसे में इनकी याददाश्त चली जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं, इन्हें सब नजर आए, नहीं आई तो बस मैं। उसके इतना बोलने पर आर्यन ने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी राजकुमारी साहिबा, सॉरी। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी उसे मुंह फुलाकर देखने लगी। आर्यन ने हाथ नीचे किया और उसकी कमर को चारों तरफ से पकड़ के उसे अपने पास लाया और उसके चेहरे को अपनी तरफ करके बोला, वैसे गुस्सा तो हमें भी होना चाहिए। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी ने कहा, आपने मुझे विश नहीं किया और ना मुंह मीठा कराया और ना ही मुझे कोई प्रेजेंट दिया, अब बताओ है ना बात नाराज होने की? आर्यन के कहने पर रुद्राक्षी बोली, हैप्पी बर्थडे, और मैं प्रेजेंट लाई थी आपके लिए, पर आपके पास वक्त कहाँ था मुझसे बात करने का? आर्यन ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा लाई हैं आप, तो दे हमें हमारा प्रेजेंट। ये उसके बोलने पर रुद्राक्षी ने गाड़ी के ऊपर रखे बैग से एक बॉक्स निकाला और उसे देते हुए बोली, ये रहा। आर्यन वैसे ही खड़े हुए बोला, खोल के दिखाएं। रुद्राक्षी ने खोल के दिखाया तो उसमें एक चेन लॉकेट था, उसमें त्रिशूल और डमरू लगा था। आर्यन ने कहा, अच्छा तो है,
तो अब आप उसे पहना दे। रुद्राक्षी ने उसे देखते हुए कहा, क्यों, खुद से पहन ले। आर्यन ने उसे अच्छे से पकड़ते हुए कहा, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो आपको मेरी बात माननी चाहिए, इसलिए चले खुद से पहना दे। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी ने बॉक्स गाड़ी पर रखा और चेन खोल के उसके पास आकर उसे पहनाने लगी। आर्यन ने उसके नजदीक आने पर आंखें बंद कर ली। रुद्राक्षी ने उसे चेन पहनाया और हटने लगी तो आर्यन ने उसे गले से लगा लिया और धीरे से बोला, दुनिया की सबसे सुकून भरी जगह, आपको पता है क्या है मेरे लिए। रुद्राक्षी उसकी ऐसी बातों से सहम सी गई और उससे बोली, आर्यन ने वैसे ही उसे पकड़े हुए कहा, आपकी बाहें, मुझे बहुत सुकून मिलता है जब आप मेरे गले लगते हैं, मेरे करीब होते हैं, जब आप मेरे सीने से लगे होते हैं, बहुत शांति होती है इस दिल में, जानते हैं क्यों, क्योंकि आप वो हैं जो मुझे मुझसे ज्यादा चाहते हैं, वो जो मुझसे खफा होकर भी मेरे लिए सोचती है, वो जो मुझे खुद से जोड़ के रखती है। आप आर्यन का वजूद है रुद्राक्षी। रुद्राक्षी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। आर्यन उससे दूर हुआ और उसके कमर पकड़ते हुए बोला, जानती हैं मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा तोहफा क्या है, आप और मेरा भाई, आप दोनों ही मेरे सबसे कीमती तोहफे हैं। ये कहते हुए उसने उसके बालों को ठीक किया। रुद्राक्षी ने कहा, चलें सब इंतजार कर रहे होंगे, अपने महल चलोगे मेरे साथ। आर्यन उसे वैसे ही लिए खड़ा हुआ बोला तो रुद्राक्षी ने नाम में सर हिला दिया। तो आर्यन ने कहा, क्यों मेरे साथ नहीं रहना, मैं अच्छा नहीं हूं, या अभी भी वक्त चाहिए आपको। रुद्राक्षी ने पलके झुका के कहा, मुझे नहीं पता, मैं बस अभी नहीं आना चाहती। उसके ये कहने पर आर्यन ने कहा, कितना वक्त लेंगे आप, क्योंकि आपका महल, आपका कमरा मुझे अच्छा नहीं लगता है आपके बिना, आपकी आदत हो गई है उस कमरे को, महल को, महल के लोगों को, मुझे और मेरे दिल को, वापस आ जाओ। रुद्राक्षी उसकी खोई हुई नजरों में देखे जा रही थी। आर्यन ने उसके माथे से अपना माथा लगाते हुए कहा, कुछ मांगू, देंगे, मना मत करना आज, और हाँ ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा जो आप नहीं दे पाएंगे, मांगू। रुद्राक्षी ने धीरे से आंखों को बंद किए कहा, जी, वापस से आप वैसे ही रहना जैसे आप पहले रहती थी, मेरे नाम का सिंदूर लगाए, मेरे नाम का मंगलसूत्र पहने, क्या करोगे ये सब, वापस से एक कदम बढ़ाएंगे मेरी तरफ। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी खामोश रहे तो आर्यन ने कहा, वक्त लें, सोचें, अगर हाँ तो कल हम आपको वैसे ही देखना चाहते हैं। ये कहते हुए उसने उसे सीने से लगा लिया। रुद्राक्षी भी शांत उसके सीने से लगे खड़ी थी। उधर सब खड़े होकर बातें कर रहे थे। गाड़ियां आ गई थीं लेकिन रुद्राक्षी नहीं आई थी अभी। जानवी ने कहा, चलो ना, नींद आ रही है, एक तो ये रुद्राक्षी पता नहीं कहाँ रह गई है। वरुण ने कहा, आप सब जाएं, हम भाभी को छोड़ देंगे घर पर। अनाया ने कहा, हाँ जानवी, हम रुक जाते हैं, उसके साथ आ जाएंगे, आप सब चलो, तब तक हम सब भी पहुंचते हैं। सिद्धि जानवी सबके साथ गाड़ी में बैठे और निकल गए। उनके जाने के बाद अनाया फोन में देखते हुए गाड़ी से पीठ लगा के खड़ी हो गई। विवान कुछ सोचा और उसके पास गया। उसने अनाया से कहा, एक सवाल पूछूं आपसे। अनाया ने फोन में देखते हुए कहा, पूछें। आप तो उस दिन कुछ और ही कह रहे थे इस आदमी के लिए, तो आज ये सब जो था वो क्या था। विवान के सवाल पर अनाया का स्क्रॉल करता हुआ हाथ फोन पर रुक गया और उसने विवान की तरफ देखा। उसने उससे कहा, मेरी बातों को शायद आपने ध्यान से सुना नहीं था, मैंने कहा था अगर मैं इस इंसान को मार देती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं, लेकिन वहीं अगर मैं उसे नहीं मारती, उससे उसकी वो प्यारी चीजें छीन लूं जिससे ये कमजोर हो जाएगा, ये तड़प जाएगा, तो क्या होगा। विवान ने कहा,
तो वो उठ नहीं पाएगा। उसके इस बात पर अनाया बोली, एग्जैक्टली यही होगा, पर मैं सिर्फ ये नहीं करना चाहती, मैं इससे भी बुरा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये जिंदा रहे ताकि मैं इसे इसकी जिंदगी में जीते हुए नरक दिखा सकूं। और मैंने शुरुआत कर दी, अब देखते हैं क्या होता है। ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी। विवान उसे हैरानी से देख रहा था, तभी रुद्राक्षी आ गई। उसने देखा सब चले गए हैं। उसने कहा, सब चले गए, हमारा इंतजार नहीं किया किसी ने। अनाया ने कहा, किया था पर तुम ही ना जाने कहां हो, अब चलो हमें भी चलना चाहिए। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी पीछे बैठ गए, विवान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, अनाया आगे बैठी और आर्यन रुद्राक्षी के बगल में, वरुण भी उसके बगल में बैठ गया। विवान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रुद्राक्षी को नींद आने लगी थी, उसने सिर नींद में आर्यन के कंधे पर रख दिया। आर्यन उसके ऐसा करने पर धीरे से मुस्कुरा दिया। विवान ने महल के सामने गाड़ी रोकी तो अनाया बाहर निकल के आई। अनाया ने कहा, थैंक्स हमें छोड़ने के लिए, चलो रुद्राक्षी। उसने देखा वो सो गई थी। आर्यन ने कहा, ये सो गई हैं, हम अंदर छोड़ देते हैं, रुकें। ये बोलकर वो गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ से आकर उसने रुद्राक्षी को अपने गोद में लिया और अनाया ने उसका सामान ले लिया। अनाया आगे आगे चलने लगी और आर्यन उसके पीछे, बाकी सब अपने कमरे में थे। अनाया रुद्राक्षी के कमरे में आई और उसका बैग रखते हुए बोली, आप इसे सुला दें, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बाय। ये बोलकर वो चली गई। आर्यन ने रुद्राक्षी को बिस्तर पर सुलाया और उसे कंबल ओढ़ा के उसके बगल में बैठकर बोला, बहुत प्यारी हैं आप, और इस प्यारे से चीज को हम अपने पास हमेशा रखना चाहते हैं। तभी रुद्राक्षी ने मुंह फेर लिया तो आर्यन ने कहा, वैसे आपने कहा था हमने आपका मुंह मीठा नहीं कराया, तो सोच रहे हैं। ये कहते हुए वो उसके पास आया और होठों को छू के दूर हटते हुए बोला, आपके लिए इतना मीठा ठीक है, बाय। ये बोलकर वो लाइट्स ऑफ करके कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। वो गाड़ी में बैठा और वहां से महल के लिए निकल गया। सुबह का वक्त, माधवगढ़। रुद्राक्षी ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। वो अपने गीले बालों को सुखा रही थी तभी उसे आर्यन की बात याद आई। उसने टॉवल को हाथ में पकड़ लिया और सोचने लगी। उसके बाद कुछ सोच के उसने टॉवल बिस्तर पर रखा और अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने गहरे पिंक कलर की साड़ी निकाली और उसे लेकर चेंज करने वॉशरूम में चली गई। वो बाहर आई और अपनी साड़ी का प्लेट ठीक करने लगी। उसने साड़ी को सलीके से पहना। उसने आर्यन की दी हुई चूड़ियों में से मैचिंग चूड़ी निकालकर पहन ली और ड्रॉअर में रखे एक छोटे से बॉक्स को निकाला। उसे याद आया 5 दिन पहले उसे ये बॉक्स सिद्धि ने दिया था, कहा था उसने कि जब उसे लगे तो इन सबको वापस से पहन ले। उसने बॉक्स को ओपन किया तो उसमें उसका मंगलसूत्र था, सिंदूर था और बिछिया पड़ी हुई थी। उसने एक बार आईने की तरफ देखा और बॉक्स बंद करके रख दिया। इधर आर्यन ऑफिस में आ गया था। उसने देखा अभी तक रुद्राक्षी नहीं आई थी। उसने रावत साहब से कहा, मिस सिंह नहीं आए अभी तक? रावत साहब ने कहा, नहीं सर, बस आ रही होंगी, ये फाइल। तब तक वरुण भी अंदर आ गया था। आर्यन ने कहा, अगर आए तो बोले वो कल जो फाइल दिया था उसे लेकर मेरे केबिन में आए। उसकी बात सुनकर रावत साहब चले गए। उनके जाने के बाद वरुण ने कहा, उस जमीन को लेकर पंगा बढ़ रहा है, वो लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, हमें लगता है चल के उस आदमी से मिलना चाहिए, वरना ऐसे हमारा बहुत सा वक्त बर्बाद होगा, इसलिए चल के बात करो उस आदमी से और ये सब मैटर सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, राजकुमारी साहिबा को आने दो, तब चलते हैं। ये कहते हुए वो फाइल देखे जा रहा था। वरुण ने पूछा, वैसे अभी तक आए नहीं, कल का गुस्सा उतरा नहीं क्या? आर्यन ने कहा, मैंने उन्हें कल ही मना लिया था। उसके ये कहने पर वरुण ने कहा, वाह बहुत खूब, वैसे भाभी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया तुझे, तेरा बर्थडे था तो देना तो बनता है गिफ्ट। आर्यन ने कहा, उन्हें जो देना था वो उन्होंने दे दिया और बहुत प्यारा गिफ्ट दिया, पर हमने उनसे कुछ मांगा है, अब देखो वो दे पाती हैं या नहीं, वैसे लगता तो नहीं कि वो मानने वाली हैं। ऐसा क्या मांग लिया जिसके लिए उन्हें इतना सोचना पड़ रहा है? वरुण के ये कहने पर आर्यन ने कहा, बस है कुछ। ये कहकर वो फाइल में देखने लगा।
आर्यन बैठा रुद्राक्षी का वेट कर रहा था। वरुण भी उसके साथ बैठा फाइल देख रहा था। तभी उसके केबिन के डोर पर नॉक हुआ। उसने फाइल देखते हुए कहा, आ जाओ। उसके ये कहने पर डोर खुला और पायल की आवाज आई। वरुण ने पीछे मुड़ के देखा तो रुद्राक्षी फाइल लेकर अंदर आ रही थी। रुद्राक्षी ने आर्यन को फाइल देते हुए कहा, सर ये जो कल आपने फाइल ठीक करने के लिए दिया था मैंने ठीक कर दिया है, आप भी देख लें। उसके ये कहने पर आर्यन ने फाइल लेते हुए उसे देखा तो वो हैरान हो गया। रुद्राक्षी गहरे गुलाबी रंग की साड़ी पहने, फुल स्लीव ब्लाउज, गले में चेन के साथ मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथ में आर्यन की दी हुई चूड़ियां पहने बेहद खूबसूरत लग रही थी वो आज। रुद्राक्षी फाइल देखकर बोली, आज 12 बजे हमें साइट देखने जाना है। ये बोलकर वो वहां से चली गई। आर्यन उसे हैरानी से जाते हुए देख रहा था। वरुण ने उससे कहा, ये भाभी अचानक कैसे, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि तू उनका पति है? आर्यन ने मुस्कुरा के कहा, एक्सेप्ट क्या करना है, मैं उसका पति हूँ और ये सच है, और ये सच कोई नहीं बदल सकता, और वो मेरी है, सिर्फ मेरी। ये कहते हुए उसने फाइल लिया और देखने लगा। वरुण ने कहा, अब इस खुशी में कहीं तुम खो मत जाना, ठीक से फाइल पढ़ो और 12 बजे निकलते हैं यहाँ से। उसके ये कहने पर आर्यन फाइल देखने लगा। इधर अनाया कमरे में बैठी अपने कुछ मेल चेक कर रही थी। तभी काशी कॉफी लेकर आई। उसने उसे कॉफी देते हुए कहा, अनाया बेटा आपके लिए। अनाया ने उठते हुए कहा, अरे आंटी जी आप क्यों लाई, किसी नौकर को भेज दिया होता। ये कहते हुए उसने कॉफी मग लिया और उसे लेकर पीने लगी। काशी ने उसे देखते हुए कहा, हमें कुछ बात करना था इसलिए। वैसे सुना कल होटल में कुछ हो गया था, कोई आदमी आया था जो तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा था, कौन था वो? उसकी ये बात सुनकर अनाया ने कॉफी का मग टेबल पर रखा और उससे बोली, वो वही आदमी था आंटी जिसकी वजह से ये सब हुआ, और कोई बात नहीं है। काशी ने उसकी तरफ देखकर कहा, आपके पापा को पता है आप यहाँ क्यों आई हैं? वो और स्नेह ये सब जानते हैं, अनाया ने लैपटॉप में देखते हुए कहा। हाँ उन्हें पता है मैं काम से आई हूँ, और इसमें इतना क्या टेंशन लेना, काशी ने कहा। और अपने काम के बारे में बताया है आपने कि आप यहाँ उस आदमी को बर्बाद करने आई हैं जिसने आपके साथ आपके परिवार के साथ वो सब किया। उसके इस बात पर अनाया ने उसकी तरफ देखा तो काशी ने कहा, ऐसे ना देखें हमें, मुझसे कोई बात नहीं छुप सकती है, मैं यहाँ की हुक्मरानी सा हूँ, इसलिए डोंट वरी। वैसे आप अकेले ये सब कर लेंगी या हमारी मदद चाहिए? अनाया ने कहा, आंटी जी मैं आपको बता दूं मैं पहली वाली अनाया नहीं हूँ जो बातों से इमोशनल हो जाती थी, जो तेज आवाज से घबरा जाती थी। मैं वो अनाया हूँ इस वक्त जो अकेले 100 शेरों पर भारी हूँ, और ये तो महज एक गीदड़ है जिसकी फितरत कमजोर का शिकार करना है, और ऐसे लोगों से अनाया सिंह ठाकुर डरती नहीं है, वो बहुत मजबूत है, इतने कि वो ऐसे लोगों को अकेले हैंडल कर सकती है। सो डोंट वरी मेरे पापा की क्रश। ये कहते हुए उसने उसे पीछे से गले लगा लिया। इस बात पर काशी मुस्कुरा दी और उससे बोली, तुम्हारे डैड हमेशा से तुम्हारी माँ से प्यार करते थे, और ये सच है। उसके ये कहने पर वो बोली, हाँ वो हमेशा से माँ से प्यार करते थे, पर सच कहूं आंटी तो मेरे वजह से ना जाने क्यों जैसे उन दोनों के बीच कुछ दूरियां से हो गई हैं, और ये सब मेरी उस गलती की वजह से हुआ। उन दोनों में बहुत कम बात होती है, और वो दोनों अक्सर एक साथ होकर भी नहीं होते हैं साथ में। मेरे वजह से बहुत कुछ बिगड़ गया है आंटी, और मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। सुना एक वक्त आपने ही उन दोनों की जोड़ी बनाई थी, तो क्या इसमें आप मेरी मदद करेंगी? प्लीज मैं वापस से माँ पापा को पहले जैसा देखना चाहती हूँ। आपको पता है उन्हें देखकर मुझे हमेशा प्यार करने का मन करता था, पर मेरी वजह से जैसे उन दोनों का प्यार कहीं खो गया। मैं वही प्यार विश्वास चाहत वापस लेकर आना चाहती हूँ, आप मदद करोगे क्या? नेकी और पूछ पूछ, अजय हम आपकी मदद आपके बिना बोले करेंगे। और हाँ इस बार जो रिश्ता जुड़ेगा
उसे आपकी गलती क्या, भगवान की गलती भी अलग नहीं कर पाएगी। वैसे इस वक्त स्नेह कहाँ है? काशी के ये पूछने पर वो बोली, इस वक्त माँ कंबोडिया में है, वहाँ एक न्यूज के लिए गई है। अक्सर वो दोनों ऐसे ही बाहर रहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे दोनों को साथ करें। पहले आप उन दोनों को एक जगह करें, उसके बाद देखते हैं कैसे नहीं मानते। हम तो कहते हैं यहीं बुला लो उन्हें, फिर हमें जो करना होगा वो करेंगे। पर कैसे बुलाएं उन्हें यहाँ पर? कोई तो ऐसी बात हो जिसमें दोनों अपना सब छोड़ के यहाँ पर आए। लेकिन कौन सी बात? काशी ये कहते हुए सोचने लगी, उसके साथ अनाया भी सोचने लगी। तभी उसकी नजर शीशे पर गई। उसने खुद को आईने में देखा तो चिल्लाते हुए बोली, मिल गया। काशी ने कहा, क्या मिल गया? आइडिया मिल गया आंटी जी, पापा और माँ दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमें लगता है हम ही हैं जो उन दोनों को बुला सकते हैं। इसलिए अब मैं देखिए क्या करती हूँ, बस इस बार उन्हें इंडिया आना ही होगा। उसके ये कहने पर काशी उसे देखने लगे। दोपहर का वक्त, साइट एरिया। रुद्राक्षी आर्यन और वरुण के साथ साइट पर आई थी, सब अपने काम में थे। और एक आदमी ने गन ले रहा था, तभी दो गाड़ी आई। उन्हें देखकर आर्यन और वरुण दोनों शांत हो गए। उसमें से कुछ आदमी निकले और एक आदमी ने गन लेकर कहा, कौन है जिसे हमारे सरकार की बात समझ को नहीं आई? लगत है जान प्यारी नहीं है। उसके ये कहने पर आर्यन ने कहा, अपने सरकार को मेरी बात बता दो कि मुझे सिर्फ अपना काम समझ आता है, दूसरों की बकवास नहीं, इसलिए चुपचाप निकलो। उसके ये कहने पर उस आदमी ने कहा, तो तू ही है जो यहाँ अपना काम शुरू कर रहा है, चल मेरे सरकार ने बुलाया है। ये कहते हुए उसने आर्यन का बाजू पकड़ा तो आर्यन ने चश्मे को निकाल के देखते हुए कहा, लगता है हमारे बारे में बिना जाने चले आए हो, तभी यह हरकत कर रहे हो। हाथ हटाओ वरना ये हाथ किसी काम का नहीं छोड़ूंगा। उसके ये कहने पर वो आदमी अपने आदमियों को देखने लगा। रुद्राक्षी आर्यन के पास आ गई, तभी वो आदमी हंसते हुए बोला, मारे को लागे से तू यहाँ नया है, जेलाने तू ये सब बोल रहा है, मैं सरकार की बात कभी नहीं टालता, जेलाने चल मारे साथ। ये बोलकर उसने आर्यन को खींचा तो आर्यन ने उसका हाथ उल्टे पकड़ के उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके गले को कस के पकड़ के बोला, मैं आर्यन प्रताप सिंह हूँ, तेरे सरकार का नौकर नहीं हूँ, आइंदा मुझे हाथ लगाया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। ये देखकर उसके सारे आदमी उसके पास आने लगे तो रुद्राक्षी ने आगे आकर सबको रोकते हुए कहा, रुक जाएं सब, प्लीज शांत हो जाएं। उसके कहने पर सब हाथ में हथियार लिए खड़े थे। रुद्राक्षी आर्यन के पास आई और उससे बोली, आर्यन जी प्लीज आप छोड़ो इसे, प्लीज मेरी बात मान लें। उसके कहने पर आर्यन नॉर्मल होकर उस आदमी की गर्दन छोड़ दिया और रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए बोला, आप कहें तो जान दे दें, फिर ये क्या चीज है। ये कहते हुए उसने अपने कोट पर लगी धूल झाड़ी। रुद्राक्षी ने आर्यन से कहा, तो प्लीज मेरे लिए एक बार चलें, मिलाते हैं इनके सरकार से, क्या पता बातों से सॉल्व हो जाए और शांति से हम अपना काम कर सके, इसलिए चलें एक बार मिलाते हैं। उसके ये कहने पर आर्यन ने रुमाल निकाला और माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, आप जैसा कहें, चलें ये भी कर लेते हैं, चलो वरुण मिलते हैं इनके सरकार से। ये बोलकर वो रुद्राक्षी और वरुण के साथ अपनी गाड़ी में बैठा और बाकी वो सब अपनी गाड़ी में। उस आदमी को जिसने आर्यन ने मारा था उसे दो लोगों ने उठाकर गाड़ी में बैठाया, सब सरकार के पास चल दिए। आर्यन दोनों के साथ एक हवेली के सामने रुका, तीनों बाहर निकल आए और उनके साथ एक आदमी भी। आर्यन ने कहा, कहाँ है आप सबके सरकार? एक आदमी ने कहा, वो अंदर होंगे या बगीचे में होंगे। उसके ये कहने पर आर्यन आगे आगे चलने लगा। रुद्राक्षी ने वरुण से कहा, तुम्हारा दोस्त पागल है, अरे जमीन लेने से पहले उस जगह के बारे में, लोगों के बारे में और वहाँ के माहौल के बारे में सब जान लेना चाहिए, क्या इतना भी नहीं पता तुम्हारे इस दोस्त को? वरुण ने कहा, वो ये सब कभी नहीं सोचता, इसलिए तो ऐसा है। अरे ये कहें कि खुद ये आदमी फंसता है और दूसरों को फंसा देता है, मुझे समझ नहीं आता कि इसे समझाते क्यों नहीं आप सब। ये कहते हुए वो आर्यन के पीछे चले जा रही थी। उसने देखा बगीचे में कोई भी नहीं था,
तो रुद्राक्षी ने रुककर पीछे मुड़ के कहा, अरे ओ सांड जैसी शक्ल के आदमी हो, तुम्हारा मालिक यहाँ भी नहीं है, कहीं और है या भाग गया? जी नहीं, वो अंदर होंगे। ये कहते हुए वो उन सबको अंदर ले आया। रुद्राक्षी आर्यन के साथ अंदर आते हुए आर्यन से बोली, बड़ी बेकार हवेली है, बड़ी मनहूस लगती है। इससे अच्छा तो मेरा और आपका महल है। मुझे तो लगता है यहाँ रहने वाला आदमी भी वो पहले जमाने का आदम आदमी होगा। देखो कहीं गुफा से ना निकल के आ रहा हो, आर्यन ने कहा। अच्छा, मुझे लगा आपको ये अच्छा लगा। मुझसे पहले से आप यहाँ रह रही हैं तो आपको ये सब देखने की आदत होगी, पर लग रहा है आपको चमकदार महल अच्छे लगते हैं। ये कहते हुए वो सब हवेली के बैठक में आकर खड़े हो गए। आर्यन ने देखा तो सामने एक आदमी जिसने धोती कुर्ता और जैकेट पहन रखा था और फाइल देखते हुए झूले पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसे देखकर एक आदमी ने कहा, सरकार हम बगड़ी जी हम उन्हें ले आए हैं। उसके ये कहने पर उस आदमी ने अपने मुंह के सामने से फाइल हटाया और हुक्का पीते हुए उन सबको देखा। वो आदमी उन्हें देखते हुए बोला, तो जे सब हैं जो हमारे इलाके में आकर हमारे परमिशन के बिना फैक्ट्री लगा रहे हैं। के नाम बताया था मालिक का? उसके ये कहने पर आर्यन ने कहा, आर्यन प्रताप सिंह। ये कहते हुए वो उसे देखे जा रहा था। उसने कहा, तो थम हो जो हमारे इलाके में फैक्ट्री खोल रहे हो। देख हमारे इलाके में पत्ता भी लेकर है तुम्हारी इजाजत से, मारे इजाजत के बगैर तुम इतना बड़ा काम जे जगह पर तो कोनी कर सको। इसलिए छोरे मारी बात सुन और अपनी यो पलटन है या को यहाँ से लेकर चलता बन। मारे को और कुछ ना कहना थारे से। ये सुनकर आर्यन ने कहा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, पर मैं अपने बारे में बता दूं, मैं जो भी शुरू करता हूँ उसे खत्म करे बिना शांत नहीं बैठता, इसलिए आपकी ये बात तो मैं नहीं मानने वाला। हाँ आपको बदले में कुछ चाहिए तो मुझे बताएं, मैं आपके इस हवेली में भिजवा दूंगा, पर वो काम और जमीन दोनों मैं नहीं छोड़ूंगा। उस आदमी ने कहा, आदित्य राय चौधरी हूँ मैं, मारे से यो सब करने की जरूरत ना से, मारे को दे सके तो बड़ो आदमी ना है तू, समझा कि नहीं? मारी बात मान और वो जमीन छोड़ दे, ना तन्ने यो जमीन नसीब ना हो जहाँ खड़ा है वो, कहीं थारे को सब ऊपर को ना पाए। आर्यन ने कहा, आर्यन प्रताप सिंह को मार सके ऐसा इंसान और हथियार नहीं बना, इसलिए मेरी मानो तो अपने काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करने दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो वरुण। उसके ये कहने पर वरुण मुड़ा और आर्यन भी। तभी आदित्य ने अपने आदमी से इशारा किया तो उसने लाठी उठाकर उस पर वार कर दिया। रुद्राक्षी ये देखकर आर्यन को पीछे करके आगे आई और तेज से चिल्लाई, आर्यन जी आ! उस आदमी की लाठी रुद्राक्षी के हाथों पर आकर लग गई थी। आर्यन वरुण पीछे मुड़े तो देखा रुद्राक्षी अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए खड़ी थी और उसका हाथ लाल था। ये देखकर आर्यन ने उस आदमी को एक लात जोर से मारा। वो आदमी पीछे लकड़ी के टेबल पर जाकर गिरा। आदित्य की नजर रुद्राक्षी पर गई। उसने अभी तक रुद्राक्षी को देखा नहीं था क्योंकि वो वरुण आर्यन के पीछे खड़ी थी। आर्यन ने उसके हाथ को हल्के से पकड़ के कहा, राजकुमारी साहिबा आपने ये क्या किया, पागल हो? किसने कहा आपको ये सब करने के लिए, दिखाए मुझे। रुद्राक्षी के चेहरे से लग रहा था उसे बहुत तेज लगा था। उसके हाथ से हल्का खून निकलने लगा था, बाकी उसका हाथ सूज आया था। रुद्राक्षी पर जब आदित्य की नजर गई तो उसे देखकर उसकी नजर उस पर थम गई। तभी रुद्राक्षी की नजर दूसरे आदमी पर गई जो आर्यन पर वार करने जा रहा था। रुद्राक्षी ने कहा, आर्यन जी आपके पीछे। उसके ये कहने पर वो पीछे मुड़ा और उस आदमी के हाथ को पकड़ के उसे मारते हुए नीचे फर्श पर गिरा दिया। वरुण ने तभी तीसरे आदमी को मारा। रुद्राक्षी ये देखकर घबरा गई और आदित्य की तरफ देखकर बोली, मिस्टर चौधरी प्लीज ये सब रोकें, नहीं तो आपके महल का एक आदमी नहीं बचेगा। मेरी बात मान लें, ये सब रोक दें, कुछ हासिल नहीं होगा आपको इन सब से। प्लीज स्टॉप दैट प्लीज। आदित्य ने उसे देखते हुए हाथ उठाया और जोर से बोला, ओ बैल बुद्धियों रुक जाओ, मैंने एक को कहा था तुम सब तो घने दिमाग चलाने लगे, रुक जाओ। उसके कहने पर सब रुक गए।
आर्यन आदित्य की तरफ गुस्से में बढ़ने लगा तो रुद्राक्षी ने उसे रोक दिया और आदित्य से बोली, देखें मिस्टर चौधरी, ये सब करके कुछ नहीं होने वाला। वो जमीन हमें लीगल तरीके से मिली है और अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आपको कोर्ट में ये बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह से मारपीट करके जोर आजमाना चाहिए। ये गलत तरीका है। वो जमीन हमारी है और हम उस पर काम करेंगे कल से, और अगर है आपको कोई प्रॉब्लम तो कोर्ट में मिलें, पर हमारे काम में ऐसे टांग मत अड़ाएं। चले आर्यन जी। ये कहकर वो जाने लगी तो आदित्य ने कहा, यो ना समझे आपकी और चौधरी डर गया, मैं चाहूं तो थारे इस बॉस की और या छोरे की लाश यहाँ से जावेगी, पर तूने कहा तो मैंने सुन लिया, औरतों की इज्जत करूं मैं, जान ले। रुद्राक्षी रुकी और पीछे मुड़ के बोली, ये मत सोचना आप कि मैं डर गई या मैं घबरा गई, इसलिए मैंने आपसे सब रोकने के लिए कहा। मैं चाहती तो कुछ रोकने की जरूरत नहीं थी मुझे। आर्यन जी कुछ वक्त में आपके महल में एक जंग शुरू करके खत्म भी कर सकते थे, लेकिन मुझे शांति पसंद है और मैं खामखा पहली मुलाकात में इस हवेली को सुनसान खंडहर नहीं बनाना चाहती थी। अगली बार जब भी टकराना तो पहले उसके बारे में जान लेना, नहीं तो क्या पता ये मनहूस जैसा दिखने वाला तुम्हारा घर सच में मनहूस हो जाए। ये बोलकर वो आर्यन के साथ बाहर निकल आई। आदित्य उसे जाते हुए देखकर बोला, यो छोरी कौन से, जरा पता कर। भीम सिंह, मारे को या छोरी के बारे में सब जानना है, बड़ी चोखी लागे मन्ने हो, और जे की बातें बहुत तीखी हैं पर मिसरी लागे साथ में। पता कर कौन से गांव की, शहर की, जिले की है। मारे इलाके की तो ना लागे जे छोरी, वरना मारी नजरों से बच जाए, यो तो कोनी हो सके। पता कर भाई कहाँ की है। उसके ये कहने पर उसका आदमी बोला, जी सरकार। ये बोलकर उसका आदमी चला गया और आदित्य झूले पर बैठा हुक्का पीने लगा। आर्यन के साथ रुद्राक्षी बाहर आई तो आर्यन ने उसके बाजू को पकड़ के रोका और उससे बोला, ये क्या था राजकुमारी साहिबा, किसने कहा आपको बीच में आने के लिए, मैं हैंडल कर रहा था ना, तो फिर क्यों आई आप बीच में, देखें क्या हुआ। ये कहते हुए उसने उसके हाथ पर रुमाल बांधा जिसमें से खून रिस रहा था। रुद्राक्षी ने कहा, तो क्या आपको चोट लगने देती, एक तो आपकी जान बचाई उस पर से मुझे सुना रहे हैं। बहुत गंदे हैं आप, बहुत गंदे। ये कहकर वो गुस्से में गाड़ी का डोर खोलने लगी तो उसके हाथ में दर्द हो गया। इससे एक चीख उसके मुंह से निकली तो आर्यन ने कहा, रुक नहीं सकती, थोड़ा बस करें, जब देखें खुद की मर्जी, बैठें अब, चलें हॉस्पिटल पहले। उसके ये कहने पर वो अंदर बैठ गए। वरुण ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, आर्यन रुद्राक्षी के बगल में बैठ गया। तीनों वहां से निकल गए, पर कोई था जो उस हवेली की छत से उन्हें देख रहा था। इतने में उसे आवाज देते हुए एक औरत ऊपर आई और उससे बोली, मेघना साथ चले नीचे को, थारे भाई साहब थारे को खाने के लिए बुला रहे हैं और फिर थारे को दवा भी देना है। उसके कहने पर वो लड़की पीछे देखते हुए जा रही थी। उसने उस औरत से पूछा, जे कौन लोग थे दाइमा, पहले कौन ही देखा यहाँ। दाइमा ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा, मारे को के बेर से मेघना बिटिया, जे हवेली में दुश्मन भी आवा करें और दोस्त भी, होगा उनमें से कोई, तुम ज्यादा कौन है सोचो, तुम चलो खाना खाओ और आराम करो। ये कहते हुए वो उसे नीचे ले आई थी। शाम का वक्त, हॉस्पिटल। रुद्राक्षी के हाथ पर जहां जख्म था वहां बैंडेज किया गया था और बाकी दोनों हाथों में गर्म पट्टी बंधी हुई थी। आर्यन सामने बैठा हुआ था। नर्स के जाने के बाद रुद्राक्षी ने देखा आर्यन उसे घूर के देखे जा रहा था। रुद्राक्षी ने नजरों को चुराते हुए कहा, वरुण जी अपने दोस्त से कहें उनकी यादाश्त भूली पत्नी को भूख लगी है, सुबह से नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया है उनकी यादाश्त भूली पत्नी ने, अगर गुस्से में घूर ना हो गया हो तो चल के उसे कुछ खिला दें, नहीं तो उसे चक्कर आएगा और उसे उठाकर ले जाना होगा, फिर मुझसे ना कहें मैंने बताया नहीं। वैसे मैंने सुना है पत्नियों को घूरने से पत्नियां पास नहीं आती हैं, मैं तो वैसे भी दूर हूँ, ऐसे घूरेंगे तो कहीं मेरे अंदर जो बदलाव हो रहा है वो भी बंद हो जाए और मैं वापस ही ना आऊं। उसके ये कहने पर आर्यन उठा और उसके ऊपर से चादर हटा के उसे गोद में उठाते हुए बोला, वरुण मैं गाड़ी ले जा रहा हूँ, आप अपने लिए गाड़ी मंगवा लें। ये बोलकर वो चला गया। वरुण ने खुद से कहा,
इन दोनों के बीच में मैं मुफ्त में पिसता हूँ। चलो वरुण साहब गाड़ी मंगवा लो। ये बोलकर उसने ड्राइवर को कॉल करके आने के लिए कह दिया। इधर आर्यन रुद्राक्षी को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था तो सब उसे देख रहे थे। रुद्राक्षी ने आर्यन की तरफ देखकर कहा, लेकिन आप वरुण जी को यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं? उन्हें भी ले लेना, साथ में चल देंगे। आर्यन ने डोर खोलते हुए कहा, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ वो बहुत है, एक और मुसीबत मुझे नहीं चाहिए। अगर ज्यादा बोलोगी तो मैं बीच रास्ते में छोड़ दूंगा। एक तो बेवजह के काम करती हूँ, उस पर अभी भी इन्हें बोलना है। ये कहते हुए उसने उसे गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठाया, सीट बेल्ट लगाया और खुद भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रुद्राक्षी शांति से बैठ गए, आर्यन ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया। कुछ वक्त में दोनों होटल के सामने थे। आर्यन ने आकर दरवाजा खोला और सीट बेल्ट हटा के उसे गोद में उठाकर बाहर निकाला। रुद्राक्षी ने यह देखकर कहा, आर्यन जी मुझे हाथ में लगी है ना कि पैरों में, मैं चल सकती हूँ? आर्यन उसे घूर के देखा तो उसने नजरें नीचे कर ली। आर्यन उसे गार्डन में लगे एक बड़े से टेबल के पास ले आया। उसने उसे चेयर पर बैठाया और वेटर को ऑर्डर देकर वो खुद उसके सामने बैठ गया। रुद्राक्षी सामने रखे फूलों को देखकर छेड़ने लगी तो आर्यन ने रखे फूलों को हटा के वेटर को दे दिया। रुद्राक्षी मुंह बना के मुस्कुरा दी, फिर वो धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाने लगी। जब उसकी नजर आर्यन की तरफ गई तो उसने देखा आर्यन उसे घूर के देख रहा था। उसने अपने पैरों को रोक लिया, तभी वेटर खाना रखकर चला गया। खाना देखकर वो आगे बढ़ी उसे लेने के लिए तो आर्यन ने कहा, रुके हम खिला रहे हैं, हाथ में लगा है ना, तो आप रहने दे मैं खिला दूंगा। ये बोलकर उसने खाना प्लेट में निकाला और उसे खिलाने लगा। रुद्राक्षी ने देखा आर्यन गुस्से में था। रुद्राक्षी ने कहा, सॉरी। उसके ये कहने पर आर्यन ने नैपकिन से उसके होठों को साफ करते हुए कहा, किस लिए? वो ऐसे बीच में आने के लिए, पर आपको लग जाते इसलिए मैं बीच में आई, सॉरी। ये कहते हुए रुद्राक्षी ने सर नीचे कर लिया। आर्यन ने रुद्राक्षी को खाना खिलाया और खुद भी खाकर वो उसे लेकर बाहर आ गया। होटल के बाहर मौसम बहुत सुहाना था, रह रहकर हवा तेज हो जाती थी। रुद्राक्षी आगे आगे चल रही थी और आर्यन पीछे पीछे, लग रहा था जैसे कभी भी बारिश आने वाली थी। उसने रुद्राक्षी को देखा जो आगे उदास चली जा रही थी। दोनों आकर गाड़ी में बैठे और आर्यन गाड़ी को लेकर झील के किनारे चला आया। रुद्राक्षी वैसे ही वहां बैठी हुई थी। वो उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर गाड़ी के पास लाया और उसे बोनट पर बैठाकर उसके चेहरे को उठाकर बोला, उदास क्यों हो? रुद्राक्षी ने नजरों को नीचे किए हुए कहा, आप डांट रहे हो तब से, गुस्सा कर रहे हो तो चेहरा नहीं उतरेगा। ये कहते हुए वो बोनट से उतरी और दूर जाने लगे तो आर्यन ने उसे गाड़ी से लगा के कहा, आपको पता है आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं, आपको कुछ हो ये बात मैं ख्याल में भी नहीं ला सकता, और आपने ये कर लिया। पहली बात तो आपको उस आदमी से बात करनी नहीं चाहिए थी, और मेरी गलती, मुझे आपको वहां नहीं ले जाना चाहिए था। और एक बात, आपका ये पति आपसे कभी गुस्सा नहीं हो सकता है, मैं खुद पर गुस्सा हूं ना, मैं आपको वहां ले जाता ना ये सब होता, आपकी चोट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए बस खुद से गुस्सा हूं, आपसे नहीं। ये कहते हुए वो उसकी तरफ देख रहा था, पर रुद्राक्षी थी जो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। आर्यन ने कहा, अब भी नहीं देखोगे मेरी तरफ, अब सब बताओ क्या करना होगा। उसके ये बोलने पर रुद्राक्षी ने उसे दूर करते हुए कहा, मनाओ, आपने नाराज किया तो आप ही मनाओ। ये कहते हुए वो झील के किनारे घास पर आकर बैठ गई। आर्यन उसे गाड़ी से पीठ लगाए देखे जा रहा था। रुद्राक्षी ने कहा, आपके कहने पर मैं ये सब करके आई, और आपने क्या किया? एक बार कुछ कहा भी नहीं, बस मुझे साइड पर ले आए, उस पर से वो मनहूस हवेली, चलो मैं बोली बात करते हैं तो बात करना चाहिए था ना, आपको नखरे दिखाने की क्या जरूरत थी, और तो और उसे चुनौती दे रहे थे, ये कोई अच्छी बात है? एक तो वो आदमी मुझे पागल लग रहा था, उस पर से उसे बोले जा रहे हैं, अंत में उसने पागलपन दिखा दिया, और अगर मैं बीट्स में नहीं आई होती तो आपको लग जाता, ये आपको लगता तो मुझे दर्द नहीं होता क्या? ये कहते हुए वो सामने झील में देखे जा रहे थे। आर्यन आया और उसके बगल में बैठकर बोला,
आपको दर्द क्यों होता? लगती तो मुझे ना। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी ने कहा, मुझे नहीं पता पर मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कहते हुए वो सामने देखे जा रही थी। आर्यन उसके तरफ मुड़ा और उसके गर्दन में हाथ डाल के उसके चेहरे को अपने पास करते हुए बोला, मुझे पता है, मैं बताऊं। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी घबराई हुई सी उसकी आंखों में देखे जा रही थी। आर्यन ने उसके मुंह पर उड़ा रहे बालों को हटाते हुए कहा, क्योंकि आपकी याददाश्त गई है, आप हमारी शादी भूल गई हैं, लेकिन प्यार वो आज भी आपके दिल में वैसे ही है जो उस वक्त था। आज भी मेरा दिल आपकी आंखों में नजर आता है और आपके सीने में महसूस होता है। आपके होठों से मैं उसकी सिसकियां सुन सकता हूं, आप मुझे दर्द में इसलिए नहीं देख सकते। ये कहते हुए वो रुद्राक्षी को लेकर घास पर लेट गया। रुद्राक्षी उसके सीने पर सिर रखे लेटी हुई थी। आर्यन का हाथ उसके कमर पर गया और उसने उसे अपने पास कर लिया। रुद्राक्षी की मुट्ठी में आर्यन के शर्ट की कॉलर थी। आर्यन ने उससे कहा, आज मेरी बात मानने के लिए शुक्रिया, मुझे वापस से मान देने के लिए शुक्रिया, मुझे एक रिश्ता देने के लिए शुक्रिया। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, पहले की तरह लग रही हैं जैसे आप तब लगती थी जब मेरे महल में रहती थी। एक बात पूछे। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी ने हाँ में सर हिलाया तो आर्य ने कहा, मेरे महल चलोगे, अपने ससुराल चलेंगे। रुद्राक्षी उससे दूर हटी और मुंह को दूसरी तरफ करके बोली, नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आर्यन उसके तरफ आकर धीरे से उसके कमर पकड़ के बोला, आपके हाथ में लगी है, अभी कोई देखेगा तो परेशान हो जाएगा, इसलिए बस दो दिन के लिए मेरे घर चलो, तब तक ये भी ठीक हो जाएगा। मेरे लिए नहीं, बाकी सबके लिए चलो ना राजकुमारी साहिबा। ये कहते हुए वो रुद्राक्षी को देखे जा रहा था। रुद्राक्षी ने सर हाँ में हिला दिया तो आर्यन ने उसके चेहरे को अपने माथे से लगा के कहा, एक सच बताऊं। आर्यन के ऐसे पास आने पर रुद्राक्षी घबराने लगे, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कुछ नहीं कहा तो आर्यन ने कहा, बहुत प्यार करता हूं आपसे, आपके बिना मैं अधूरा सा हूं। उसके ये कहने पर बादल तेज से कड़के तो रुद्राक्षी उसके गले से लग गई। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। रुद्राक्षी ने कहा, हम चले, मुझे डर लग रहा है। आर्यन ने कहा, मैं हूं तो भी घबरा रही हैं आप तो कभी मेरे बाहों में आकर घबराती नहीं, तो आज क्यों? तभी बारिश शुरू हो गई। आर्यन रुद्राक्षी को वैसे ही घास में लेकर लेटा हुआ था, बरसात का पानी दोनों को भिगो रहा था। आर्यन ने धीरे से उसके भीगे गालों को अपने भीगे होठों से चूम लिया। रुद्राक्षी की सांसें तेज हो गईं। उसने कस के आर्यन की बाजुओं को पकड़ लिया। आर्यन ने धीरे से उसके कानों में कहा, मेरी जिंदगी में सब है, बस नहीं है तो आप। मेरे पास वो हर चीज है जिसे मैंने हासिल करना चाहा, पर सच कहूं आपको हासिल नहीं करना चाहता हूं, आपके साथ मोहब्बत करना चाहता हूं, आपको आपके महादेव से मांगना चाहता हूं, आपको आपसे चुराना चाहता हूं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी को आपसे पूरा करना चाहता हूं, इस जन्म से लेकर उस जन्म तक आपका होना चाहता हूं, आपसे बेपनाह करना चाहता हूं। दे दो मुझे मेरी पत्नी, मेरी राजकुमारी साहिबा, मेरी मोहब्बत, मेरा पहला प्रेम। ये कहते हुए वो भीगे से रुद्राक्षी के चेहरे को देखे जा रहा था। रुद्राक्षी उसे खोई हुई नजरों से देखते हुए उसके चेहरे को अपने पास ले आई थी। आर्यन ने धीरे से उसके चेहरे को पकड़ा और रुद्राक्षी के होठों पर बह रहे बरसात के पानी को अपने होठों से रोक दिया। आज रुद्राक्षी की आंखों में आर्यन को इजहार दिखा था, उसकी आंखों में पहले वाला प्यार दिखा था। वो उससे दूर हुआ और उसे गले से लगा लिया। दोनों ही एक दूसरे के गले लगे हुए बरसात में भीगे जा रहे थे। आर्यन ने उससे कहा, चले। रुद्राक्षी ने हाँ में सर हिला दिया। आर्यन उसे अपनी गोद में उठाकर गाड़ी तक लाया और उसे गाड़ी में बैठाकर सीट बेल्ट लगा दिया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और रुद्राक्षी को अपने पास खींच के बोला, फासलों से मोहब्बत कम होती है,
नजदीकियां हर दर्द भर देती हैं। ये कहते हुए उसने गाड़ी महल की तरफ मोड़ दी। सुबह का वक्त, माधवकर, जानवी सुबह रेडी होकर जब रुद्राक्षी के कमरे में गई तो देखा उसके कमरे में कोई नहीं था। वो बाहर आई तो सामने से अनाया आते हुए दिख गई। उसने उससे पूछा, अनाया आपने रूप को देखा क्या? हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है, आपको पता है वो कहाँ है? उसके ये पूछने पर वो बोली, नहीं मैंने नहीं देखा, इनफैक्ट मैं तो अभी अपने कमरे से ही निकल रही हूँ। उसके ये कहने पर वो बोली, अच्छा ठीक है, चलो आप बाहर जाओ, सभी वहीं बैठे हुए चाय पी रहे हैं, आप भी चलें। उसके ये कहने पर अनाया चली गई। उसके जाने के बाद जानवी भी नीचे जाने लगी तो उसका फोन बजा। उसने देखा रुद्राक्षी का फोन था। वो जल्दी से रिसीव करके बोली, रूह कहाँ हो यार, पूरा महल देख लिया लेकिन तुम तो दिख ही नहीं रही हो। रुद्राक्षी ने कहा, अरे मैं आर्यन जी के घर हूँ, आज भी मैं यहीं रहूंगी, और हो सके तो कल शाम तक आऊं, वो प्रोजेक्ट का कोई काम है तो इसलिए कल रात बता नहीं पाई, इसलिए सॉरी। ये सुनते ही जानवी ने कहा, कोई नहीं, पर तुम और आर्यन जी के महल में कैसे रुक गए तुम वहाँ पर? तुम तो इतना लड़ती हो, उसके बाद कल तुमने सिंदूर अपना लिया, आज सुनाई दे रहा है तुम महल हो, अब तुम वहीं आर्यन जी के पास रह जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा, वैसे कल रात तो कुछ नहीं हुआ होगा। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी को कल रात की बातें याद आने लगी। वो उसमें खोए हुए मुस्कुरा रही थी। तभी जानवी बोली, हो मैडम कहाँ खो गई हो, लगता है कल रात कुछ ज्यादा ही अच्छे से बीता, तभी तो कल रात के बारे में पूछने पर आप खो सी गई। वैसे सच कहूं तो तुझे आर्यन जितना कोई प्यार नहीं करेगा, इसलिए तो एक बार अपने रिश्ते को मौका दे। अच्छा चल मैं जा रही हूँ, तू आराम से रह। ये बोलकर जानवी ने फोन कट कर दिया। रुद्राक्षी उसके फोन कट करने के बाद सोचने लगी। उसने फोन रखा और किचन की तरफ चली गई। इधर अनाया आई तो उसने देखा रुद्र और काशी में चैलेंज हो रखा था, दोनों तलवार लेकर एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे। ये देखकर अनाया ने बैठते हुए कहा, ये सब क्या है, अंकल आंटी की लड़ाई हुई है क्या? आंटी किसी बात पर गुस्सा है जो ऐसे उन्हें सबक सिखा रही है? कहीं अंकल ने किसी और लड़की की तरफ तो नहीं देख लिया जिसके बारे में आंटी को पता चल गया? शिव ने कहा, नहीं अनाया, बस माँ पापा एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन किस पर आज भी भारी पड़ता है, इतने सालों से तो माँ ही जीतते आई हैं, देखें इस बार क्या होता है। उसके ये कहने पर अनाया चाय पीते हुए दोनों को देख रही थी। तभी काशी ने अपने लास्ट वार पर रुद्र के तलवार को नीचे गिरा दिया और उसके सामने तलवार करते हुए खड़ी होते हुए बोली, तो रुद्र जी आज भी आप हमसे तलवारबाजी में हार जाते हैं। रुद्र ने तलवार पकड़ते हुए अपने सीने पर रखते हुए कहा, आज ये रुद्र तो काशी से पूरी जिंदगी हारने को तैयार है, अगर बदले में वो प्यार करने दे तो। ये कहते हुए वो उसे देखने लगा तो काशी शर्मा गई और तलवार हटा के उसके सीने से लग गई। अनाया ये देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे वो वक्त याद आ गया जब एक वक्त उसके माँ डैड में ऐसा प्यार था। सब आकर वहां रखी चेयर पर बैठ गए। अनाया को खोया हुआ देखकर काशी बोली, क्या सोचे जा रही हो अनाया? अनाया ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि रुद्र अंकल आपको आज भी कितना प्यार करते हैं। अच्छा अंकल एक बात पूछूं आपसे? रुद्र ने कहा, आप पूछो। आपको कभी जलन नहीं हुई मेरे पापा या रोहन जी से? मतलब दोनों ही आंटी से प्यार करते थे और एक वक्त दोनों ही आंटी को हासिल करना चाहते थे, तो आपको कभी उन दोनों से जलन नहीं हुई, गुस्सा नहीं आया, या आंटी से आप कभी लड़े नहीं? ये बोलकर वो उसे देखने लगी तो रुद्र उसे मुस्कुरा के देखे जा रहा था।